ओ हेलो भाई साहब, क्या कर रहे हो आप? ये लड़की पास मत आना मेरे, वहीं रुक जा। ओके ओके, मैं यही हूँ, मैं वहां नहीं आ रही हूँ। शांति शांति। क्या है, क्या बात है? इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? अबे कहीं और जाकर के लौंडाबाजी कर लो फोन पे। आप तो बड़े बदतमीज हैं। आपके घर वालों ने आपको सिखाया नहीं कि किसी लड़की से कैसे बात की जाती है? अरे यार, तुम जाओ यहां से बस, प्लीज। मैं क्यों जाऊं? मैं कहीं नहीं जाने वाली। क्या चाहिए यहां से जाने का? क्या लोगी? एक मिनट, एक काम करो, ये ले लो, जितने पैसे चाहिए उठाइए और यहां से निकलिए, प्लीज। जाइए जाइए। आप तो बदतमीज होने के साथ साथ घमंडी भी हैं। हाँ हूं मैं बदतमीज, घटिया हूं, बहुत कमीना इंसान हूं ना मैं। एक्चुअल में तुम लोग ना कभी समझ ही नहीं सकते मुझे। मैंने हमेशा सबकी मदद करी, वो तुम लोगों ने नहीं देखा, सबके लिए खड़ा रहा, जो बन पड़ा वो किया। बदले में मुझे क्या मिला? धोखा, दुख, दर्द, तकलीफ। आज ये हालत कर दी तुम लोगों ने मेरी कि आज यहां मरने के लिए खड़ा हूं मैं। सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, वो बस आपने गुस्से में बोला तो खैर छोड़िए। आप जाओ प्लीज, प्लीज जाओ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि आप सुसाइड क्यों करना चाहते हो। मेरा नाम अमन है, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरी वाइफ की मेरे घर वालों से बनती नहीं थी, मेरी सैलरी भी कम थी, तो फिर हम अलग हो गए। मेरी वाइफ की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे। मैंने सब कुछ उधार लेकर के, सब कुछ अपना दांव पर लगा करके एक बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन मेरे पार्टनर ने धोखा दे दिया और एक दिन सब कुछ खत्म। बीवी मुझे छोड़कर चली गई, अपने घर गया तो पेरेंट्स ने भी दरवाजे बंद कर लिए मेरे लिए। और मुझे समझ में आ गया, ये दुनिया है ना, मेरे लिए बनी ही नहीं है। आज यहाँ मरने के लिए आया था मैं। देखिए, आपकी बातों को सुनकर मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन मरना, मरने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या पता फायदा होता है कि नहीं, आज तक मर के कोई वापस थोड़ी आया है। हाँ, शरीर तो वापस नहीं आते, मगर आत्मा जरूर वापस आती है। क्या मतलब? दरअसल 5 साल पहले एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, उसकी सगाई हो चुकी थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ। गैंगरेप के बारे में जानने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसे सगाई तोड़ दी। मोहल्ले वालों ने भी गलत नजरों से देखना चालू कर दिया था। उस बेचारी के सारे सपने टूट गए थे। फिर उसी रात उसने यहां से कूदकर, खैर कौन थी वो लड़की, क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन थी क्या थी, फिलहाल अब वो यहां नहीं है, मगर उसकी आत्मा शायद यहीं गई हो। तुम तो डरा रही हो मुझे। अरे डरिए मत, दरअसल मैं जिस लड़की की बात कर रही हूँ वो मेरी छोटी बहन थी। उसने यहीं से कूदकर अपनी जान दी थी। मैं जब भी उसे मिस करती हूँ तो मैं यहीं आ जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यहीं कहीं है और मुझसे बातें कर रही हैं।
खैर जाने दीजिए, बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप जिन लोगों के लिए अपनी जान देने जा रहे हैं, जब उनको आपकी परवाह नहीं है तो आप अपनी जान क्यों दे रहे हैं उनके लिए? आप खुद को एक मौका ज़रूर दीजिए, क्या पता इस लाइफ में आपसे कौन टकरा जाए और कौन आपकी लाइफ बदल दे। शायद तुम सही कह रही हो, मुझे अपने आप को एक मौका देना चाहिए और अपनी जिंदगी कुछ सस्ते लोगों के लिए बर्बाद नहीं करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी भाई साहब, सुनिए, हेलो भाई साहब, लगता है बहुत देर हो गई।